वेलकम बैक टू द आयुर्वेदिक जानकारी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है वी कैप। जो कुछ इस प्रकार की टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है, एंड ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो काफ़ी ज़्यादा सेफली इफेक्ट करती है। किसी तरीके से कोई साइड इफेक्ट्स आपको नहीं मिलते हैं जो अन्य कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है। ये महिलाओं के लिए यूज़ होने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है एंड काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। आज के इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से काम करती है, कैसे इसको खाना है, क्या इसके फायदे होते हैं, कब इसको नहीं लेना है, एंड साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं नहीं होते, सारी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। ये आपको मिल जाता है 300 रुपये का, जो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। एक इसमें आपको टैबलेट, सिंगल टैबलेट मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, एंड साथ में आपको मिल जाता है एक गाइड बुक जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है किस तरीके से लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, वो सब कुछ बता रखा है। इसमें गाइस सिंगल टैबलेट आ जाती है जो 6 महीने के लिए यूज़ होने वाली है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि डेली यूज़ किसी तरीके से नहीं करना है, केवल एक बार लीजिए और 6 महीने के लिए फ्री हो जाइए। इसमें इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डालें तो इसमें आपको मिल जाता है गिलोय, हल्दी, आपका ब्रेंडिसिल, साल्ट, एंड इसमें अन्य इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो यहाँ पर आपको दे रखी है। सो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिंस है। मेडिकल्स में ऑनलाइन साइट में दोनों ही जगह आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे होती है कि आपको डेली लेना पड़ता है या हफ्ते में 2 से 3 बार लेना पड़ता है, उनके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मोटापा बढ़ना, एक्ने, पिंपल्स होना, एंड आगे चलकर वो आपके अंडाशय को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। सो इस दवाई का इस तरीके से कार्य नहीं होता है। इसके काम करने का तरीका क्या बात करें या असर कैसे करती है, वी कैप गोली क्या होता है, अंडाशय के ऊपर एक प्रकार से लेयर बना देती है जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है एंड शुक्राणु वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। खाने का तरीका क्या है, मुख्यतः यूज़ की बात यही है। पहले खाने का तरीका क्या होता है इसका, जिस दिन महिला के पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं या मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाते हैं, उसके जस्ट अगले दिन सुबह खाली पेट इसको नॉर्मल पानी के साथ लेना होता है, एक गोली ही लेनी है। और दूसरी बात यह है कि एक हफ्ते तक गोली लेने के बाद किसी तरीके से कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है या शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाना है। एंड तीसरी बात आ जाती है कि जब आपने ये गोली ले ली है, एक हफ्ते के अंदर किसी तरीके से कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ ना करें, वो इसके इफ़ेक्ट को जो होता है वो कम कर सकता है। अन्य फ़ायदे के बारे में बात करें, अन्य फ़ायदे तो ये हैं कि आपको डेली गोली से छुटकारा मिल जाएगा, आपको बार बार गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार ले लिया और 6 महीने तक आप फ्री रहोगे। दूसरी चीज़, बच्चों में गैपिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड आप समझ जाइए कि साल में 2 गोली आपने लेनी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट आ जाता है, किसी तरीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, जैसे कि फैट होना, एक्ने होना, एंड आगे चलकर भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। पीरियड्स टाइम टू टाइम होते हैं, किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं है, एंड ना ही इन्फेक्शन आपको होगा। सो इस तरीके से ये अन्य फ़ायदे हैं इसके। कब आपको ये नहीं लेना है, जो महिलाएं स्मोकिंग करती है उनको नहीं लेना चाहिए, जिनका मिर्गी का अटैक आता है, जो प्रेग्नेंट है, एंड जिनका पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो अनियमित है, इरेगुलर पीरियड्स जिनके होते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए, एंड किसी तरीके से कोई एंटीबायोटिक इसके साथ यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आए तो गर्म पानी की जो बॉटल आती है उनके पेट की सिकाई करनी चाहिए, एंड अगर आपको पीरियड्स ज़्यादा दिन हो गए हैं, मिस हो गए, तो प्रेग्नेंट न्यूज़ या एसजीजी टेस्ट जो होगा वो ज़रूर करना चाहिए। अब ये एक टैबलेट ही है, अब गारंटी तो कोई भी नहीं देता है, एंड बट एक बार अपनी प्रेगनेंसी के बारे में या इसको लेने से पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर करें, एंड 6 महीने के लिए आप इसको लेने के बाद टेंशन फ्री रहोगे। सो इस तरीके से वी कैप मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, एंड विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स आपको बेनिफिट्स ये देता है। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बाय करना चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।